बारे में क्या कहना? आज हमारे जहांगीराबाद नगर और औरंगाबाद के व्यापारी यहाँ पर उपस्थित रहे और इस व्यापारियों की गोष्ठी में कोरोना महामारी के संकट में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किस तरीके से संघर्ष के साथ में भारत ने मुकाबला किया है, वो विचार विमर्श अपने बीच में हुआ और आने वाली लड़ाई के लिए जो अभियान सरकार का वैक्सीनेशन का चल रहा है, सबको वैक्सीन लगे, उसके लिए हमने आग्रह किया है कि जिस तरीके से सरकार के कर्मचारी, सरकार के स्वास्थ्य विभाग के लोग वैक्सीन लगाने में गांव-गांव जाकर कैंप लगा के वैक्सीन लोगों को लगा रहे हैं, उसमें समाज का और व्यापारियों का सहयोग मिलेगा तो जल्दी से उसमें हमें सफलता मिलेगी और हर व्यक्ति को वैक्सीन लगे। आपके इस चैनल के माध्यम से भी हम आग्रह करना चाहेंगे कि 18 वर्ष की आयु से ऊपर के जो भी हमारे ज़िले के नागरिक हैं वो सब लोग वैक्सीन लगवाएँ और अपने आप को कोरोना की मुक्ति से दूर रखें। आने वाले समय में जैसा कि हम देख रहे हैं कि डेल्टा का रूप महामारी लेके आ रही है, अभी उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा केस नहीं है लेकिन उसके बावजूद उससे पहले अपने स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव-गांव अपने 18 आयु से कम के बच्चों को अपनी मेडिसिन की किट भिजवानी शुरू कर दी हैं ताकि कोई अगर केस मिलता है तो उसकी मेडिसिन शुरू हो जाए, उसकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहे और हमारे देश का भविष्य, आने वाली पीढ़ी, हमारे 18 साल से कम के छोटे बच्चे और नौजवान सुरक्षित रहें। हमारी गोष्ठी थी, हमारे औरंगाबाद और जहांगीराबाद नगर के सभी सम्मानित व्यापारी इसमें सम्मिलित थे। जो कोरोना की लड़ाई है पूरी, चाहे पहली लहर हो या दूसरी हो, दोनों में व्यापारी वर्ग का जो सहयोग सरकार को और समाज को प्राप्त हुआ है वो बहुत ही तारीफ के लायक है और भविष्य में भी, क्योंकि व्यापारी वर्ग पूरे समाज के साथ जुड़ा रहता है, चाहे कोई गांव का व्यक्ति हो, शहर का व्यक्ति हो, वो किसी न किसी रूप में व्यापारी के साथ न सिर्फ कुछ सामान खरीदने के नाते बल्कि व्यक्तिगत तौर पर और भावनात्मक तौर पर भी जुड़ा रहता है। इसलिए किसी भी चीज़ पर जागरूकता चाहे फैलानी हो, चाहे इनका सहयोग लेना हो, और जिस तरह से इस पूरी लड़ाई में इनको नुकसान उठाते हुए इन्होंने सहयोग दिया है, हम सब इनके आभारी और ये अपेक्षा करते हैं कि कोरोना की लड़ाई में आगे भी इनका सहयोग इसी तरह से मिलता रहेगा और बहुत सारे ऐसे सुझाव भी हमको मिले हैं और मिलते रहें ताकि हम कैसे व्यापारी वर्ग को भविष्य में कम से कम कोई ऐसी स्थिति फिर से अगर पैदा हो तो कैसे कम से कम असुविधा हो ये सुनिश्चित करें, इसी के लिए व्यापारी गोष्ठी का आयोजन किया गया था। नगर में 2 सप्ताह का बंद चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, ये सच है कि जो कोरोना की जिस तरह से महामारी फैली थी दूसरी लहर, लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाने के बाद से उसमें निरंतर गिरावट आई, तो ये जो कंट्रोल था ये आवश्यक था, उसको पहले हमने घंटों में कम किया, फिर दिनों में कम किया, अब 5 घंटे पूरे दिन व्यापार चलता है, सिर्फ 2 दिन बंदी है। अब हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि इसको और करके एक नॉर्मल वे में लेकर के आया जाए। खबर तहकीकात की टीम पहुंची है आज नगर के वासले धर्मशाला में, जहां व्यापारियों की विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। आप दिखा सकते हैं यहाँ मंच लगाया गया था जिसमें मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर भोला सिंह व विधायक संजय शर्मा ने व्यापारियों की समस्या सुनी। आप दिखा सकते हैं, एक नज़र तस्वीरों में देख सकते हैं, विधायक जी और सांसद व्यापारियों की समस्या सुन रहे हैं। भी उन्होंने जो भी समस्या व्यापारियों की आई है उनका समाधान करने का आश्वासन दिया है। कैमरामैन अखिलेश चौधरी के साथ सुल्तान अंसारी, खबर तहकीकात, जहांगीराबाद, बुलंदशहर। हेल्दी विंग हॉस्पिटल, हमारे यहाँ पर टूटी हड्डी व जोड़ों का इलाज किया जाता है, कमर, रीढ़ में दर्द व पुराने गठिये रोग का इलाज भी किया जाता है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा व महीने के पहले सोमवार को फ्री ओपीडी की भी सुविधा, साथ ही स्त्रियों के सभी प्रकार के रोगों का इलाज भी किया जाता है। हमारा पता है बीएन कॉम्प्लेक्स, मोतीबाग रोड, बुलंदशहर।